Po? No, dai, no, merdette bestie. गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप कि आप ठीक हो, आपका परिवार ठीक है, खुश हो, तंदुरुस्त हो। सुबह हो गई है और अभी सुबह के शायद 9 या 9-10 बज रहे हैं। अभी मैं उठा थोड़ी देर पहले, तो मैंने चाय पी ली। उसके बाद मौसा जी का फ़ोन आया था, तो बोल रहे थे आज जो मेरे मामा जी का लड़का है सुनील, उसको कपड़े दिलाने हैं। वो बोल रहा था मुझे कल भी कि भैया चलते हैं कपड़े लेने। मैं गया नहीं, मैंने बोला अभी टाइम नहीं है तो बाद में चलेंगे। आज का प्लान बनाया, देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ वहीं पे रेडी होके क्या मुँह हाथ धोना, मैंने तुम चला जाऊँगा, फिर उसका काम ख़त्म हो जाएगा, उसको कपड़े मिल जाएंगे। तो अभी बस थोड़ी देर में मैं निकल रहा हूँ। मैं नहा लिया हूँ, अभी जस्ट नहाया, उसके बाद मैं रेडी हो गया हूँ। देखो, और एक मैं आपको बात बताऊँ, ये रैम्पो ना इतना शरारती हो गया ना, क्या हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा शरारती। इसने क्या किया, ये मैं लेके आया था चप्पल, ठीक है, और देखो भाई इसका क्या हाल कर दिया यार, कसम से। मैंने सिर्फ एक बार पहनी थी, सिर्फ एक बार, ऐसे कर रहा है इसको उड़ा दूँ मैं, हवा में उड़ा दूँ इसके साथ वाली ये। बताओ क्या करूँ मैं, इसका आधी पहनूँ? आए गधे, इसका क्या करूँ मैं, बता क्या करूँ इसका मैं। अब मार भी नहीं सकता यार मैं इसे, क्या मारूं, ये बेजुबान है बेचारा, इसको क्या मारूं। चलो इसको थोड़ी पता था। अभी मैं निकल गया हूँ और राइड की तरफ जा रहा हूँ, राइड आने वाली है। और पहुँच गया हूँ मैं यहाँ अलका, तो घर पे मौसा जी होंगे, सुनील। आज तो वैसे सुनील से काम है, क्योंकि सुनील ने मुझे बोला था कल मेरे को एक पैंट शर्ट चाहिए, तो अब देखूँगा उसको और फिर हम जाएँगे वहाँ पर, क्या बोलते हैं, शॉप पर। उससे पहले हम चलते घर के अंदर। दीक्षा क्या कर रही है दीक्षा, हाँ इसमें क्यों बंद है, मुझे भी खिला ले, देना जी? अरे दे जी? मैं चॉकलेट देता हूँ ना तुझे, अभी दे, अभी तो नहीं मैं दूंगी नहीं, मैं चॉकलेट नहीं दूंगा। एक और दे दे, एक ही दूंगी। हाँ एक ही, एक और दे दे, लास्ट एक बस, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। वो भी दे दे, दे दे डाल दे। देखिए यहाँ पे लड़ रहे, अरे क्या हो गया, सौरभ मार रहा मेरे को। क्या हो गया सौरभ, ये देख इसकी मम्मी को मारूं ना मैं, हाँ ये मेरे मारता है। मार दो सौरभ है, सौरभ है बेटा। गाइस मार रहा हूँ अपनी मम्मी को, देख लो बचाने के लिए कुछ भी। ओह माय गॉड, बाल चेट दी। पाँ ना भाई ना, मेरे बेटे बेस्ती करो। कल मौसा जी ने एक टैटू भी बनवाया था, पीठ पे बनवा रखा है, एक नाम लिखवा रखा है मौसी जी का, और मौसी जी को पता नहीं था, तो मैंने आके यहाँ पे सस्पेंस ही खोल दिया। अब मौसी जी बोलते मुझे को दिखाओ, मौसा जी दिखा नहीं रहे। कब दिखाओगे मौसा टैटू, नाइट में बेला है। सुनील कहाँ है, स्कूल गया क्या वो? हाँ स्कूल गया वो, सुनील का वेट करना पड़ेगा, वो स्कूल पे गया बेचारा बच्चा। आज मौसा जी ने मुझे बोल दिया कि चाय बना मतलब, तो फिर मैं आज चाय बना रहा हूँ मौसा जी के लिए, और वो वहाँ पे बैठे हैं। आज तो कोई चैलेंज भी नहीं किया, फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है। देखो अब मैं चाय बनाऊंगा, देखते हैं आज की चाय कैसे बनती है। Few moments later. चीनी और चाय पत्ती मैंने अंदर डाल दी इसमें, अब ये उबलेगा तो उसके बाद मैं इसमें दूध डाल दूंगा, तो चाय बन जाएगी हमारी। गाइस ये देखिए चाय का कलर है, अब चाय बस बनने वाली है। बचा लिया मैंने, थोड़ा सा और लेट हो जाता तो बस गई थी चाय हमारी। बन गई हमारी चाय, अब पूछता हूँ मौसा जी से, बताओ ना मौसा कैसी बनी। जबरदस्त, पी तो लो, पहले ही बोल रहे जबरदस्त। क्या बात है, मीडियम साइज है ना, मीठा मीडियम, ठीक है भाई। मीठा भी रोक के और पत्ती भी बिल्कुल रोक के डाली थी मैंने, और अच्छी चाय बनी है मुझे भी लग रहा है। तो मैं पीता हूँ चाय, और जब सुनील आएगा उसके बाद आगे का काम चालू कर देंगे, जो आज का मिशन है।
दीक्षा भी डांस करके दिखाएगी और काचा बादाम पे चलने वाला है। ले 3 2 1 गो। चलाओ भी गाना, गाना चलाओ गाना। कैसे कैसे मौसी भी रेडी हो रहे हैं, जाना है मौसी जी को भी आज। ओए हो ओए बल्ले देखा। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो ना आप। मैं अच्छी नहीं, बादाम दिखाओ। बादाम मेरे पास का है। मैं और मौसी जी जा रहे हैं, मतलब मौसी जी को पंजाब जाना है, किसी की डेथ होगी तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, एक बंदे को तो जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं और मौसी जी जा रहे हैं टिकट बुक करवाने के लिए, क्योंकि यार बिना टिकट बुकिंग के ना जाने नहीं देते हैं, और वहाँ पे होती नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं और फिर मिलते हैं वापस घर पे आके। टिकट तो बुक ही नहीं हुई, हम गए थे वहाँ पे क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं थी, पर जो अंकल जी थे उन्होंने बोला अभी 7 बजे हम जाएंगे ना, तब शायद वो चेक करके बताएंगे, अगर कोई मतलब सीट अवेलेबल हुई तो फिर हम बुक करवा लेंगे, नहीं तो यहाँ से एक बस जाती है, बस में थोड़ा कराया जा लगता है। सुनील की मम्मी तो अभी तक आई नहीं है, तो सुनील को और मुझे भूख लग रही थी, फिर हम यहाँ पे कुलचे खाने के लिए आ गए, ये रही कुलचे की शॉप। और सुनील भूख लग रही है ना भाई, है ना, मुझे भी लग रही थी, उसको भी लग रही थी, फिर मैंने बोला चल खाने के लिए, तो अभी हमारे बन रहे वो, तो कुलचे तो आ गए गाइस, अब भी हम खाएंगे और उसके बाद मैं जा रहा हूँ घर पे। दोस्तों सुनील की मम्मी तो आई नहीं, तो आज का प्लान होगा कैंसिल, उसके कपड़े हम लेने नहीं जा सकते, शाम भी हो गई है, फिर यहाँ पे शॉप वगैरह दूर है तो दूर जाना पड़ेगा, जिस वजह से काफ़ी लेट हो जाएंगे। और अभी मैं फिर घर पर निकल रहा हूँ, तो यहाँ पर सब काम ख़त्म हो गया है, अब मौसी जी जाएंगे तो मौसी जी को ड्रॉप कर देंगे मौसी जी। और आप लोगों को हमारे बचपन का खेल दिखाता हूँ, जो बचपन में इतना खेलते थे ना क्या बताऊँ, मतलब हमारे पास बॉल नहीं होती थी या बैट बॉल नहीं होता था या कुछ और गेम नहीं होते खेलने, तो हम ये खेलते चुंगी, इसको हम कहते थे चुंगी, ये जो ट्यूब टायर होता ना उसको काट के बिल्कुल बारीक बारीक फिर इसको ना रस्सी से बांध देते, दिखा रहे ये देखो टायरों से बनाओ और उसको पैरों से खेलते, पैर से खेल के दिखाएगा, मुझे भी आती है पर फिर नहीं आती, खेल रहे तू देख कितने शॉट मार सकते हैं ना, ऐसे हम बैट लगाते थे इस पे, बस मार दिए इसमें तो 100-200 ही मार देते थे कई लोग। पास पास खेल के दिखाते हैं। तो ये गेम बहुत अच्छी थी, और अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी देख सको। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं बाय करता हूँ, अलविदा करता हूँ आप लोगों को, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।